सुबह सुबह गर्मा गर्म कड़क मीठी मसालेदार चाय मिल जाए तो पूरा दिन बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधिस किचन जैन फूड। मैं हूँ निधि। सुबह सुबह कड़क मीठी मसालेदार चाय बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय के मसाले की रेसिपी। ये मसाला ओनली 5 मिनट्स में बनके तैयार हो जाता है। वैसे चाय का मसाला मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन आज हम अपने हाथों से घर पे बनाएंगे तो बहुत ही शुद्ध भी बनेगा और मार्केट से बहुत ही कम प्राइस में बनके तैयार भी हो जाएगा। हम यहाँ पे मसाला परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, जिससे बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा ये मसाला। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर डालेंगे क्लव्स को यानी कि लौंग को। और यहाँ पे मैंने दालचीनी ली है, इसे सिनेमन भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा लिया था, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और 1 टेबलस्पून जितना हमें इसके अंदर डालना है फेनल सीड यानी कि सौंफ को। अभी हम डालेंगे इसके अंदर 40 से 50 नंग ग्रीन इलायची और 2 हम डालेंगे ब्लैक इलायची को। ये इलायची को डालने से चाय के अंदर रिफ्रेशिंग वाला फ्लेवर आएगा, तो आपको इसे ज़रूर डालना है। 1.5 इंच जितना हम जावित्री को डालेंगे और यह है जायफल, इसे नटमेग भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया है। अभी हम गैस को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। यहाँ पे आप ड्राई जिंजर को भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ड्राई जिंजर पाउडर का यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने रोस्ट करते समय नहीं डाला है। कई लोग इसके अंदर मुलेठी और तुलसी के बीज भी डालते हैं, लेकिन सबको ये तुलसी और मुलेठी वाली चाय पसंद नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। अगर आप तुलसी वाली चाय पीना चाहते हो तो जब भी हम चाय बनाएंगे तब भी तुलसी के पत्ते इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। मसाले यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं तो अभी मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसके अंदर हम सभी मसाले को डाल देंगे। अभी हम इसे क्रश करेंगे और इसका एकदम बारीक पाउडर तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से क्रश कर लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे सौंठ पाउडर को। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर को लिया है। अभी हम फिर से इसे क्रश कर देंगे, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चाय का मसाला बनके तैयार है। इसे मैं एक बाउल के अंदर निकाल देती हूँ। ये चाय के मसाले की खुशबू पूरी मेरे घर के अंदर फैल चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब भी आप ये मसाला बनाओगे तब भी आपको पता चलेगा। ये मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर 7 से 8 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आप एक साथ 7 से 8 महीने चले इतना मसाला बना के मत रखिएगा, क्योंकि आप फ्रेश मसाला बनाओगे तो फ्रेश मसाले से बनी हुई चाय का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप 1 से 2 महीने का ही मसाला बना के रखिएगा। अभी हम यही चाय का मसाला यूज़ करके एकदम कड़क मीठी मसालेदार चाय बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना पानी लिया है, मैंने यहाँ पे कप का मेज़रमेंट करके ही लिया है। अभी मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितनी शक्कर को डालूँगी। मीठा आप यहाँ पे जितना पसंद करते हो इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हम डालेंगे चाय पत्ती को 2 टेबलस्पून जितना। चाय की पत्ती हम यहाँ पे चाय की क्वालिटी के हिसाब से आप डाल सकते हो। अभी हमें इसके अंदर उबाल को लाना है। इसके अंदर 3 से 4 उबाल आने तक हमें इसे उबालना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो मेजरिंग कप से पानी को डाला था वही मेजरिंग कप से इसके अंदर हम दूध को डालेंगे। दूध यहाँ पे हम 1.5 कप जितना डालेंगे। जितना हमने यहाँ पे पानी को डाला है इतना ही हम यहाँ पे दूध को डालेंगे। जब भी चाय के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाए तब भी हम इसके अंदर डालेंगे चाय का मसाला। जो हमने अभी तैयार किया वही मसाला हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 TSP जितना। यहाँ पे हमें चाय को 3 से 4 बार उबालना है। आपको जितना कड़क पसंद है इसके हिसाब से आप उबाल सकते हो। आपको ज़्यादा कड़क पसंद है तो आप 5 से 6 बार भी उबाल को ला सकते हो।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी चाय एकदम कड़क बन चुकी है। तो अभी हम गैस ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म कड़क मीठी मसालेदार चाय बनके तैयार हो चुकी है। ये चाय को आप सुबह सुबह पियोगे तो एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। आप इसे गाठिया और बिस्किट के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैंने आपके साथ पहले भी किचन किंग मसाला और पेरी पेरी मसाला की रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। अगर आपने मेरी चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया होगा तो रेड बटन की जगह पे ब्लैक आएगा, तो आपको सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी और नई रेसिपी दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैं आपसे फिर से मिलूँगी।